विधिवत इस म्यूजिक कंपनी का जो लॉन्चिंग है दादा के हाथ से, हमारे आदरणीय बप्पी दा जो कि एक म्यूजिक इंडस्ट्री के एक स्तंभ, एक पिलर हैं हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री के, बप्पी लहरी साहब। धन्यवाद। मैं मीडिया वाले को सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जी। ये ऐसा एक दिन है, बॉम्बे टॉकीज, मैं 48 इयर्स आई एम वर्किंग इन बॉलीवुड फिल्म, आई मिस बॉम्बे टॉकीज। सब बैनर में काम किया, एक भी एबीसी आप कोई भी बैनर बोलिए, बट मैं आज इतना आई एम सो प्राउड, टुडे आई एम ओपनिंग द बॉम्बे टॉकीज, जो मेरा सपना था, जिसमें मैंने ये पिक्चर में राष्ट्रपुत्र में संगीत दिया है। और थैंक यू आजाद, थैंक यू वेरी मच, यू हैव डन अ वंडरफुल थिंग। जो हिस्ट्री है, जो सब नाम लिखा हुआ है, हिमांशु राय जी, दुबे साहब और देविका जी, मैं क्या बोलूँ, इन लोग सब हिस्ट्री है। इस पे लीजेंड तो हम लोग सबको ही बोलते हैं, इन लोग लीजेंड नहीं है, ये सब क्या बोलूँ, भारतीय सिनेमा का एक एक इतिहास है, इतिहास ही है, इतिहास से हम लोग संगीत कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं। एनीवे थैंक्स टू आजाद जी टू रिवाइवल दिस बॉम्बे टॉकीज। धन्यवाद, धन्यवाद। बॉम्बे टॉकीज का एक और ये लक्ष्य है कि नए नए संगीतकारों को, नए नए गायकों को, नए नए आर्टिस्टों को इस मार्केट में लेके आना। और मुझे खुशी इस बात की है कि बॉम्बे टॉकीज ने मेरे बेटे आदित्य शंकर को भी साइन किया हुआ है। बॉम्बे टॉकीज ने आगे की कड़ी में आदित्य शंकर को, क्योंकि होनहार कलाकारों को बॉम्बे टॉकीज आगे ला रही है। दादा प्लीज आपके शुभ हाथों से। प्रथमं च वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्पिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं च विघ्नराजरं धूमरवर्णं तथाश्मं नवमं च भालचन्द्रं दशमं च विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं च गजाननं। गजानन महाराज जी के 12 नाम है इस श्लोक में, और उन्हीं के नाम से ये शुरू किया है हमने। मांगे सबकी खैर ओ ना कहूं से दोस्ती नहीं किसी से वैर दे दे प्यार दे 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 प्यार दे प्यार दे प्यार दे रे हमें प्यार दे दुनिया वाले कुछ भी समझे हम है प्रेम दीवाने जहाँ भी जाए तुझे पुकारे गा के प्रेम तराने दे दे प्यार दे प्यार दे रे हमें प्यार दे 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 प्यार दे प्यार दे प्यार दे रे बॉम्बे टॉकीज को प्यार दे आजाद को प्यार दे। नया जो गिरीश घनश्याम दुबे का जो बॉम्बे टॉकीज घराना, उनको भी प्यार दीजिए। धन्यवाद, दुआ चाहिए आप लोगों से। नमस्कार एवं समस्त पत्रकार बंधु, आज भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। बॉम्बे टॉकीज ने वापसी की है, साथ ही उस सपने को पूरा किया, उस अधूरे सपने को पूरा किया है जो बॉम्बे टॉकीज के संस्थापक ने देखा था, म्यूजिक कंपनी की स्थापना। इस वक्त यही कहना ठीक है कि जिनको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, जिनको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है पशु निरा और मृतक समान है। राष्ट्रवाद की भावना सनातन भारत के गौरव की जो विचार है,
विश्व के कोने कोने पहुंचाने के प्रयास में हम लोग लगे हैं, जिसकी पहली परिणति है राष्ट्रपुत्र। और महत्वपूर्ण है कि आज का दिन बॉम्बे टॉकीज के लिए ऐतिहासिक दिन है, उसके लिए ही कहूँगा। कितने सालों बाद पुनर्वापसी बॉम्बे टॉकीज ने की है, तो उसकी ये यात्रा अनंत काल तक निर्बाध रूप से चलती रहे। के पत्थर के जिगर वालों हम में वो रवानी है, पत्थर के जिगर वालों हम में वो रवानी है, खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी। तो ये बहता हुआ पानी है, ये अपनी राह खुद बना लेंगे आजाद जी। और एक और शेर याद आया कि बढ़ के खुद मंजिल कदम चूम लेती है, बढ़ के खुद मंजिल कदम चूम लेती है, कदम चूम लेती है, शर्त इतनी है मुसाफिर हिम्मत न हारे। तो ये पिक्चर आ रहा है 14 सितंबर 2018।